मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। सबसे पहला घोटाला हुआ था, वी के कृष्ण मेनन इस देश के रक्षा मंत्री थे, उन्होंने कागज पे जीप खरीदी थी, नेहरू जी के समय में हुआ था। ये नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, वी के कृष्ण मेनन उनके रक्षा मंत्री थे, उन्होंने जीप खरीदने का ऑर्डर दिया, जीप आई नहीं और पैसे चले गए, ऐसा हुआ था। आजादी मिलते ही घोटाले शुरू हो गए थे इस देश में। और नेहरू जी ने एक बार लोकसभा में कहा कि जो घोटाला करेगा, भ्रष्टाचार करेगा, मैं उसको बिजली के तार से उल्टा लटका दूं। तो जब वीके कृष्ण मेनन का घोटाला निकला तो नेहरू जी से कहा गया लटकाओ इसको उल्टा बिजली के तार से। तब नेहरू जी का स्टेटमेंट सुनाता हूं। नेहरू जी ने कहा कि ये जो लोकतंत्र की गाड़ी है ये बिना भ्रष्टाचार के नहीं चलती। ये नेहरू जी ने बेशर्मी के साथ कहा था पार्लियामेंट में कि ये जो डेमोक्रेसी है ना, इसमें घोटाला तो जरूरी है, भ्रष्टाचार तो आवश्यक है, बिना भ्रष्टाचार के ये चलता ही नहीं है। और वी के कृष्ण मेनन को बिजली के तार से नहीं लटकाया गया, बस उनसे इस्तीफा लिया गया था। लेकिन वो नेहरू जी के मित्र अंतिम दिन तक रहे, रोज शाम को नेहरू जी के साथ बैठते थे। इतना बड़ा घोटाला सामने आने के बाद भी, उस समय जब आजादी मिली थी हमें, इसका माने बहुत सोच समझकर इस डेमोक्रेसी को हमारे पुढ़ारियों ने चुना ताकि इसमें घोटाला करने का गुंजाइश रहे।